नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको पत्र दिखाई दे रहा है ये पर्सोनल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें ग्रुप डी इम्प्लॉय की एज ए क्लर्क प्रमोशन के लिए टाइप टेस्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाइप टेस्ट से रिलेटेड इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन रूल से पहले क्या इंस्ट्रक्शंस थी। तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, 8 सितंबर 2000 से पहले ग्रुप ए बी सी डी एम्प्लॉइज को क्लास 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया गया था। अब चलते हैं पुराने समय में। 1970 को गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें क्लास 4 एम्प्लॉय से क्लास 3 पोस्ट में प्रमोशन के लिए फर्स्ट टाइम प्रोविजन बनाया गया था। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्लास 3 की टोटल पोस्ट में से 10% को क्लास 4 से प्रमोशन देकर फिल किया जाना था। इसमें यह भी लिखा गया था कि किन क्लास 4 एम्प्लॉयज को प्रमोशन के लिए कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने के लिए पहली कंडीशन थी कि 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि एम्प्लॉय की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद पंजाबी पास होनी चाहिए। और जो लास्ट कंडीशन रखी गई थी उसमें लिखा गया था कि प्रमोशन करने से पहले पंजाबी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसका स्टैंडर्ड वही रखा जाएगा जो पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पोस्ट रिक्रूट करने पर रखा जाता है। इस सर्कुलर को बाद में अमेंड भी किया गया साल 1998 को, पर उसमें सिर्फ प्रमोशन कोटा 10% से बढ़ाकर 15% किया गया और बाकी कंडीशन वही पुराने सर्कुलर वाली ही रखी गई। इसके बाद 21 जुलाई 2009 को जो क्लर्क की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की कंडीशंस थी उनको ही प्रमोशन के लिए भी अडॉप्ट कर लिया गया था, और उसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन अडॉप्ट कर ली गई। पर उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने एक लेटर 25 अगस्त 2009 को जारी किया, जिससे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाली कंडीशंस को अडॉप्ट करने वाली लेटर को खत्म कर दिया गया और फिर से पुरानी वाली शर्तें ही लागू रही। और अब जो लेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस लेटर के जारी होने के बाद ग्रुप डी एम्प्लॉयज को एज ए क्लर्क बिना टाइपिंग टेस्ट लिए भी प्रमोट किया जा सकेगा, और उसके बाद उनको 1 साल का टाइम दिया जाएगा ताकि वो टाइप टेस्ट को पास कर सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर उनको टाइपिंग टेस्ट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो कर्मचारी चंडीगढ़ में रहते हैं उनकी ट्रेनिंग मैक्सिपा में दी जाएगी, और जो कर्मचारी चंडीगढ़ से बाहर हैं उनको ट्रेनिंग आईटीआईज में दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी, और इसके बाद भी अगर वो टाइप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनको रिवर्ट कर दिया जाएगा क्लास 4 की पोस्ट पर ही। इसके साथ ही कंडीशन रखी गई है कि टाइप टेस्ट को पास किए बिना प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं किया जाना है। थैंक यू सो मच।